सानू टिकट ना देने तो बाद एक अलग कैंडीडेट नू टिकट देती जिहड़ा कि पहला वह अकाली दल च सीगा। अकाली दल दे विच होण करके पांच साल उन्हें इन्नी क मैनिंग की लुट मचाई है जिहदी तुसीं गल्ले नहीं मतलब गल ही छड्ड दो वो आदमी जमीन तो लेके आसमान तक सिर्फ मैनिंग के सिर पर पहुंचा। तुसीं खुद संयुक्त समाज मोर्चा के उत्ते ही उंगलां चुक रहे हो क्योंकि तुसीं कैंडीडेट नहीं हो इस करके या तुहानूं टिकट नहीं दित्ती इस करके। यूनियनां दे इन्हां दे प्रधान ने उन्होंने खुद उत्थे बहुत विरोध किया और राजेवाल साहब ने खुद कहा कि तुसीं टिकट बेची है। जे बलबीर सिंह राजेवाल तुहाडे हक दे विच सी तां तुहानूं टिकट क्यों नहीं मिली? जिहड़े साडे इलाके दे प्रधान ने जिहड़े उन्होंने थापे होए आ यूनियनां ने उन्होंने प्रधान ने वो मेरे हक च सीगे। उन्होंने सारिया ने मिल के राजेवाल साहब ने संयुक्त मोर्चे को कहा कि इन्हू टिकट दिती जाए लेकिन उन्होंने मैनू टिकट नहीं दिती। उन्होंने एक सरमाएदार बंदे नू टिकट दिती आ। जो टिकटां दी वंड आई जिहड़े बंदिया ने मेहनत की जिहड़े मोर्चे च लड़े और जिन्ह ने कम किए उन्होंने ना टिकट दे के 80% टिकटा उन्होंने दत्तियां है जिहड़े ना कदे मोर्चे च गए जिहड़े अकाली दल चो आए आम आदमी पार्टी चो आए कांग्रेस चो आए उन्होंने टिकट दत्ती ने। ये दसो कि एक जिहड़ा ग्राउंड लैवल का बंदा जिहदा कोई कारोबार नहीं हैगा सिर्फ खेती पर निर्भर है पिंड च रहिंदा है उहदे घर तो अगर 10 करोड़ रुपया मिल जाए तो तुसीं की उन्होंने अंदाज लगाओगे क्या कि उहदी अपनी हक की कमाई है कि 2 नंबर का आया होया? कौन कौन लोग शामिल ने उन्होंने नाल? सरकार सारी शामिल है जी, खुद मुख्यमंत्री आप खुद शामिल है जी। अगर गैर कानूनी की FIR दर्ज हुई है तो कि हुई है जिहड़ा बंदा पैसे दे के ट्रक भर के रेते का इन्हां कोल खरीद के लेके आंदा रस्ते च रोक के उन्हां पर FIR हो जाती है। सांझा पंजाब मोर्चा वालों अपने कैंडीडेट जिहड़े ने पंजाब दे चोण मैदान दे विच उतारे गए ने ते काफ़ी चुनावी माहौल भी भख्या होया। साडे नाल बचित्तर सिंह ने हालांकि यह रोपड़ तो आजाद कैंडीडेट ने पर सांझा पंजाब मोर्चा वालों इन्हां नूं समर्थन दिता गया। हालांकि बचित्तर सिंह हुणा बारे ये कहा जाता है कि माइनिंग का मुद्दा इन्हां वालों काफ़ी देर तो चुकया जा रहा है उसते अमल भी होया तो कई वाद विवाद भी उन्होंने लैके पैदा हुए ने। गल करते हैं सर, पहला तो आजाद तुसीं खड़े हो की गल किसी पार्टी वालों थोनों टिकट नहीं दिती गई कि तुसी पार्टी की टिकट नहीं ली इंदा की कारण? नहीं जी, मैं आजाद खड़ा है जी। पहला तो संयुक्त समाज मोर्चे के वलों ये कि बचित्तर सिंह टिकट दिती जाएगी क्योंकि जिहड़ा केडर आ जिहड़े प्रधान ने मतलब साढ़े संयुक्त समाज कोच जिहड़े जथेबंदियां बनिया हुई ने इन्हां दे 6-7 प्रधान ने जिहड़े वह पहला संयुक्त समाज मोर्चे ने कहा सीगा कि असीं इलैक्शन नहीं लड़नी हैगी। फिर जिहड़े प्रधान ने साडे इलाके दे रोपड़ दे उन्होंने यह कहा सीगा कि जे तुसीं इलैक्शन नहीं लड़नी हैगी असीं जिहड़ियां रवायती पार्टियां हैगियां जिवें अकाली दल होगी कांग्रेस होगी आम आदमी पार्टी होगी ते होर पार्टियां हो गईयां कि असीं उन्हां दे विच नहीं जाना हैगा असीं अपना एक आजाद कैंडीडेट खड़ा करके असीं इलैक्शन लड़ांगे। लेकिन की होया कुछ टाइम बीतने तो बाद संयुक्त मोर्चे ने कहा कि असीं इलैक्शन लड़ांगे। उस तो बाद क्या होया कि जिन्ने साडे इलाके दे प्रधान सीगे सारी पार्टियां दे संयुक्त जिहड़े किसान मोर्चे दी पार्टियां चाहे चडूनी हो गए चाहे राजेवाल ग्रुप हो गया चाहे मानसा वाले उन्हां दा हो गया उन्हां दे जिहड़े प्रधान सीगे उन्होंने कहा कि असीं बचित्तर सिंह नूं थापता कि अगर तुसीं टिकट देनी आ तां इसी कैंडीडेट नूं देनी आ। उन्होंने सानूं टिकट ना देण तों बाद एक अलग कैंडीडेट नूं टिकट देती जिहड़ा कि पहलां उह अकाली दल च सीगा। अकाली दल दे विच होण करके 5 साल उन्हें इन्नी क मैनिंग की लुट मचाई है जिहदी तुसीं गल्ले नहीं मतलब गल ही छड्ड दो वो आदमी जमीन तो लेके आसमान तक सिर्फ मैनिंग के सिर पर पहुंचा। अज इन्ना कु उन्हें पैसा कमाया होया है कि उन्होंने आप नूं नहीं पता है कि मैनिंग सिर पर किन्नी कु उन्हें कमाई की हुई है। उस तो बाद उन्हें सोचा कि शायद अगे अगले साल आ गया आम आदमी पार्टी शायद इतों तो टिकट मिल जाएगी। उन्हें अकाली दल छड़ा जदों सरकार डुबण लगी तो वह आम आदमी पार्टी चले गया लेकिन उतों उन्होंने टिकट नहीं मिली हैगी। उसके बाद उन्हें देखा 5 साल गुजर गए फिर उन्हें देखा कि साढ़े इलाके दे जिहड़े साढ़े सीएम साहब सीगे चन्नी जी उसी इलाके दे कैंडीडेट से इलाके दे वसनीक ने उन्होंने सोचा शायद चन्नी साहब से आपां नूं सीट मिल जाएगी। 2 महीने पहला उन्होंने क्या किया उन्होंने तो सरोपा पवा लिया और कि मैं कांग्रेस दे विच शामिल हो गया। उस तो बाद क्या होया जब उन्होंने टिकट नहीं मिली उन्होंने उम्मीद सी कि बहुत टिकट मिलेगी टिकट नहीं मिली तो वह
उन्होंने हरी पग बनी और समाज मोर्चे दे विच छाल मारती। समाज मोर्चे ने क्योंकि सरमाएदार आदमी है, पैसा हैगा, हुण पता नहीं राजेवाल साहब नूं उन्हें पैसा दिता की दिता इहदे बारे सानू कोई नॉलेज नहीं हैगी। हाले तक पोलीटिकल पार्टियां ते ही सवाल उठते रहे ने, भावें आम आदमी पार्टी होवे, भावें कांग्रेस पार्टी होवे, भावें बीजेपी होवे, पैसे दे देन लेन करके टिकटां वंडियां जा रहियां ने। पर हुण तुसीं खुद संयुक्त समाज मोर्चा दे उत्ते ही उंगलां चुक रहे हो क्योंकि तुसी कैंडिडेट नहीं हो इस करके, या तुहानू टिकट नहीं दिती इस करके? नहीं, मैं नहीं कह रहा हैगा, अज तो 6-7 दिन पहले जिदन टिकटां दी अलाउंस होई है, जिहड़े साडे प्रधान ने इन्हां यूनियनां दे, इन्हां दे प्रधान ने, उन्होंने खुद उत्थे बहुत विरोध किया और राजेवाल साहब ने खुद कहा कि तुसी टिकट बेची है। ये मैं नहीं कह रहा है, ये उन्होंने लोगों कहा जिहड़ी संयुक्त समाज मोर्चे च चलदी किंदी है। जे बलबीर सिंह राजेवाल तुहाडे हक दे विच सी तां तुहानू टिकट क्यों नहीं मिली? नहीं, बलबीर सिंह साडे हक च नहीं सीगे, मेरे हक दे विच सीगा, जिहड़ा साडे इलाके दा केडर आ, जिहड़े साडे इलाके दे प्रधान ने, जिहड़े उन्होंने थापे होए आ यूनियनां ने, उन्हां दे प्रधान ने, वह मेरे हक च सीगे। उन्होंने सारयां ने मिल के राजेवाल साहब नूं संयुक्त मोर्चे नूं कहा कि इहनूं इहनूं टिकट दित्ती जावे, लेकिन उन्होंने मैनूं टिकट नहीं दित्ती। उन्होंने एक सरमाएदार बंदे नूं टिकट दित्ती आ, पता नहीं वो पैसे लेके दित्ती आ, किस तरह दित्ती आ, उहदे बारे सानूं कुछ नहीं पता हैगा। रोपड़ की गल की जाए, रूपनगर की, तो काफ़ी हॉट सीट, हॉट एरिया मनिया जाता सीट की, तो चलो बाद की गल है कि उत्थे माइनिंग नूं लैके सवाल जवाब बहुत किए जाते हैं। माइनिंग जिहड़ा माफिया उत्थे बहुत ज़्यादा तेजी दे नाल फैलिया भी है तो फैल भी रहा है, उहनूं लैके थोड़ी थोड़े वल्लों की कदम चुके जा रहे हैं? नहीं देखो जी, अज तों 3-4 साल पहला मैं माइनिंग माफिया बहुत तगड़ा हो गया सीगा। 2019 दे विच एक मतलब सरकार नाल मिल के जे एंड के तो माइनिंग माफिया बहुत तगड़ा आया सीगा पंजाब दे विच, जिन्हें ने बहुत अज तक लुट मचाई और अज भी मचा रहे हैं। मैं उन्होंने खिलाफ़ दे विच हाई कोर्ट गया जी, और मैं रिट फाइल कीती, एक कीती, दो कीती, करने तो बाद मैं उस रिट दे उपर जी CBI की इनकुआरी मार्क भी हुई जी, इनकुआरी भी हुई, लेकिन जुडिशरी पता नहीं की होया, की होया, की सैटलमेंट हुई, की नहीं हुई। जिस जज ने एक CBI इनकुआरी मार्क की, उसी के उपर फिर दोबारा रोक लाती कि नहीं, इहदा डिसीजन सरकार करेगी। सरकार तो पहले ही रली हुई है, पहले ही माइनिंग दे विच लिप्त है, वह डिसीजन की करेगी? उस तो बाद जी उन्होंने कहा कि 3 महीने का टाइम दिता कि सरकार इहदे उपर 3 महीने च अपना डिसीजन देगी, लेकिन वह 3 महीने च कोई डिसीजन नहीं दिता गया। उस तो बाद मैं फिर सुप्रीम कोर्ट के विच अर्जी दायर की है जी, उहदी सुनवाई बाकी है, शायद 3 मार्च लगी हुई है, हुण पहलां 18 फरवरी लगी हुई सी। हाँ जी, अच्छा जी, बलबीर सिंह राजेवाल की गल की जाए तो किस तरह का उन्होंने व्यवहार रहा है, क्योंकि एक मीडिया के एक फेस जरा बलबीर सिंह राजेवाल लैके हुआ है कि किसान लीडर है, इंटलैक्चुअल है, बुद्धिजीवी है, तुम उन्होंने काफ़ी करीबी भी रहे हो, अंदोलन के भी साथ दिता, तो किस तरह की शख्सियत ने बलबीर सिंह राजेवाल? नहीं, इस कोई शक नहीं, दो राय नहीं है कि वह पढ़े लिखे हो इंसान होने करके उन्होंने अगवाई की, उन्होंने मोर्चे की अगवाई की और मोर्चे नूं इत्थे तक लेके भी गए। उस तो बाद जदों सब कुछ होने तो बाद जदों अखीर नूं इस जगह पर पता नहीं की हुआ, जो टिकटां दी वंड आई, जिहड़े बंदिया ने मेहनत की, जिहड़े मोर्चे च लड़े और जिन्होंने काम किए, उन्होंने ना टिकट दे के 80% टिकटां उन्होंने दित्तियां है, जिहड़े ना कदे मोर्चे च गए, जिहड़े अकाली दल चो आए, आम आदमी पार्टी चो आए, कांग्रेस चो आए, उन्होंने टिकट दित्तियां ने। पता नहीं की रीजन है की नहीं रीजन हैगा जी। तुहाडे ओपोजिट जिहड़े उत्थों दे कैंडीडेट ने संयुक्त समाज मोर्चा वालों थापे गए ने या उतारे गए ने चोण मैदान च, वह भी होणगे, लोगों तक तुसीं किवें मैसेज पहुँचा पाओगे कि तुसीं भी लोक हितैषी हो, जिहड़े उन्हां दे कैंडीडेट ने वह भी लोक हितैषी ने, हालांकि जिहड़े रिवायती पार्टियां हैगियां उन्हां दे कैंडीडेट भी यही कहिंदे वी असीं लोगों के पक्ष की गल करते हैं, तुसीं किवें लोगों तक अपना मैसेज पहुँचा पाओगे? नहीं जी, गल तो यह है ना कि जिहड़े उत्थे दे प्रधान ने 7-8 यूनियन, चाहे राजेवाल साहब की यूनियन आ, उन्होंने प्रधान ने, वो अज मेरे नाल ने, उन्हां नाल एक भी प्रधान नहीं हैगा, एक भी बंदा नहीं तुरिया होया हैगा। इस करके असीं दावा करते हैं कि कोई जिन्हां ने मोर्चे नूं अगवाई दित्ती, मोर्चे च काम किया, जे उन्हां नाल कोई बंदा नहीं होगा तो किवें सरवाइव करनगे? इसलिए असीं दावा करते हैं कि जे उन्हां दे 7-8 प्रधान साढ़े नाल आ, असीं दावा करते हैं कि इस सीट नूं असीं जितांगे। अच्छा, तुसी माइनिंग की गल की है, कोई थोड़े को प्रूफ हैगे ने इस तरीके ने ला के, जिस तरीके ना तुसी कहने पे भी हाई कोर्ट के भी मूव किया, हम सुप्रीम कोर्ट के भी किया, तो समय दिया सरकारां ते कई लीडरां ते भी इस तरीके के एलीगेशन लगते रहे हैं कि उन्हां वल्लों नजायज़ माइनिंग नूं वधावा दिता जा रहा, नजायज़ माइनिंग करवाइया जा रही ने। खुद मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी नूं लैके सवाल खड़े हो रहे हैं कि उन्हां दे भाणजे वल्लों नजायज़ माइनिंग करवाइया जा रही ने, तुसी किस तरीके दे नाल कह रहे हो कि
ਜਿਹੜਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ ਹੋਗੇ ਈਡੀ ਦਾ ਛਾਪਾ ਵਜਿਆ ਹੈ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਅਗਰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ ਲਗਾਓਗੇ? ਕਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਕਿ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮਾਲੀ ਸਾਰਾ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਸਾਫ ਦਫਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜੀ, ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਖੁਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜੀ, ਖੁਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਣਜਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਉੱਤੇ ਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਗਰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰੋ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜੰਗਲਾਤ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੰਗਲ ਖੜਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾ ਪੱਟ ਪੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਟਤਾ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਪਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਟੀਮ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਵੀ FIR ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੀ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਪਰ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਰੇਤੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰ FIR ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਗਨਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਕੋਈ FIR ਲੌਜ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ। ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਰ FIR ਲੌਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ FIR ਲੌਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਰੂਪਨਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਦੀ ਨਾਲੇ ਸਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ, ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਧਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਲੜੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਪੂਰੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਜੀ, ਹਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੱਲੀ ਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਿਰਫ ਜਿੱਦਣ ਈਡੀ ਦਾ ਛਾਪਾ ਪਿਆ ਹੈ ਆ 5-4 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਅੱਜ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜਨੀ ਪਏਗੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਫਾਈਨਲੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵੋਟਰਸ ਨੇ, ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਤਾਉਣ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੀਤਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਹ ਆਪ ਕੰਪੇਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਲੁੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲਾਕਾ ਬਚਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ, ਤਿੰਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ
जित दी जित दा दावा भी भावें चोण मैदान च कोई भी होवे उन्हां वल्लों कीता जांदा, पर लोकां दा किन्ना सपोर्ट मिलदा इसका जिहड़ा रिजल्ट है इसका नतीजा आने वाले समय दे विच पता लगेगा। कैमरामैन रमेश दे नाल प्रहलाद संगेलिया दा स्टोरी टीवी चंडीगढ़।